कितने दिन से खाना पीना नहीं खाया है खाना पीना करीब आठ दस दिन और भागो झाड़ू लगा दौड़े चला लगा दौड़ पकड़ के मारे हम जीत तो हम उ जवान लोग कर हमारे सामने में जिस महिला को आप देख रहे हैं इनका बेटा इनको पिटाई कर देते हैं एक पुत्र ही अपनी माँ को इस कदर पिटाई करते हैं कि कहीं ना कहीं जो बचाने के लिए आते हैं उनको भी पिटाई कर देते हैं आप यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर घुमाइएगा यहाँ पे देख सकते हैं कान का जो बाले जो पहनती है वो भी नोच नोचा गया है किस प्रकार एक पुत्र जो है अपनी माँ को ही गला का चैन वैन यहाँ तक कि रस्सी से इनको लटकाने के लिए जा रहा था छाती पर मार लगे मार लक अच्छा और मैं बता देना चाहता हूँ इनके पति रेलवे विभाग में जॉब करते थे और जॉब करने के दरम्यान पहले पत्नी में बच्चे नहीं होते हैं सिर्फ एक लौती बेटी होती है बेटा नहीं होता है और पुत्र के लिए दूसरा शादी करते हैं जो कि ये दूसरा बीवी है और उस दूसरा बीवी में तीन पुत्री होती है और एक पुत्र होते हैं और एक पुत्र जो है वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा अत्याचार करते हैं कि माँ के साथ चलिए क्या कुछ हुआ है इन्हीं से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे आखिर आखिर एक पुत्र जो है एक माँ पे इस प्रकार क्यों कर रहा है क्या नाम है आपका मीरी अलखी

चौदह महीना मरे के बाद पैसा जमा जे रहे पैसा दू लाख टका उठलक दू लाख टका उठलको हमरो कुछ दया दे हम कर्जा छे तोरे बाप के सब चीज़ कलियो काम करिया के लिए कर्जा भले हमरा पैसा दे त तो नै नहीं पैसा कोन कर्जा भलो कत लेनी उतना देने गलो रहा कहो नहीं दे रहे पैसा जतने साग सब्जी चले चल नून तेल चले चल घर में उतने दे रहे हमरा नै दे रहे पैसा उस पैसा के कारण से हमरा मारे मार जो पेंशन का पैसा होता उनके लिए मार करता कही नहीं रहता है नहीं है। आ, हमार सोतीन की जे तू एकरा मार देबी तब हम हिस्सा सब चीज के नहीं तो नहीं दे सौती मार्के गोत्न दियर के हाथ ओकरा पुतोह के हाथ से बड़की के ऊसा मिलकर ले लेकिन हल्ला आपका जो पुतहू है जो पुतो है वो अभी आपके साथ गलत व्यवहार करे हर हमेशा बड़ैन लौड़े झाड़ू लौड़ चला चेला लौड़ है झोंटकी पकड़ के मारे लाइज जे छोड़ आकरे से भीड़ जाय भिड़ जा गारि दै किए ली छबे ल सुनने में आया है कि आप नहीं खाना पीना कितने दिन से खाना पीना नहीं खाया है खाना पीना तो करीब आठ दस दिन भैग बी कभी का खती जिद कर कोई आदमी तो चाय पी लैसी बिस्कुट खा ले बस खाना नहीं खाए खाए न जा खेब पुत्र के वियोग में नहीं खाया जाता है ना जब बर्बादो हो बर्बाद अपनों हो बर्बाद एत दुख क्या कर हर चीज़ कैके घर बनैलिए जमीन खरीदलिए घर बनैलिए बाल बच्चा के पोसलिए आई बेटा पुतो हालांकि कहते तू कि जन्म का रोड पर कर हम कग गाँव समाज के लोग नहीं हम देखल भाग कि पर छे को बाल बच्चा का जन्म का रोड पर छोड़ दी है आ भाग जा भाग कहाँ पे आपको लटका रहा था ये बरंडा पर ये देख सकते हैं ये घर मकान जो है एक पुत्र के लिए बनाते हैं लेकिन एक पुत्र जो है किस प्रकार सिर्फ पेंशन के रुपये के लिए करते हैं और इसी पंखा में जो है पर टांग लटका छाती में तब मार पंजरा में तब फसरी अचानक अच्छा ये देख सकते क्या नाम है बेटा का मोहम्मद आजाद मोहम्मद खाना पीना आप आप अलग बनाते थे क्या? हाँ अलग बना के अलग कहा आप बनाते थे खाना बन है? आप सोचने बात है। इधर एक लौता पुत्र होते हैं और एक लौता पुत्र जो है किस प्रकार एक माँ को बेसहारा माँ को छोड़ देते हैं जबकि इनका पति जो है इस दुनिया में नहीं है और आप देख सकते है यह चूली है माँ बनाती है और बगल में जो है इन... इनकी पुतोहू जो है वह पुतोहू नहीं बोलती है कि इस प्रकार के पुतो और मारे और तो झाड़ू लाका दौड़े चला का ला का दौड़े झोंट पकड़ के मारे छे हम जीतबान बोर को बेटे कितने पुत्री पुत है दो गो लड़का दो गो लड़की को बालो बच्चा सब लटक हमरा दिए में बालो बच्चा लटक जाये देहा मारे ला दसकर हम जीते वाला छे कितने दिन से आप लोग अलग हैं माँ बेटा अलग कितने दिन अलग से? तो छोड़े करीब दसो साल से लेकिन मरना है मालिक साहब का डेढ़ साल दस साल से सा अलग है हाँ मालिक करे रह अलग छह तो सामने हम मारे रहे तो बचबे बचब तो मारे रहे मालिको के मारे रहे तो नहीं करे रहे करते मरल जै दिन से ते दिन से कर लगल है जै दिन से मरल समाज के लोग नहीं समझाते हैं समाज के लोग सब समझा के हारि गए सब समझा समझाकर हारि गए ककरो बात नहीं माने उ कर मार देवे जल चल जेबी तो मारिए देते हम पैदा करिए पोस के जवान कलिए मरते मारि देते जितना गोली मारना है हम खड़ा हमरा मारि दिए मार मारे, मारे के डर नहीं है बेटा कोई चिंता नहीं होता है एक माँ के लिए थोड़ा सा भी चिंता में कभी नहीं कर मारि दिए ओ कह रहा है मारि देव आगे जल चल जेब हटब अच्छा दस साल से जो हो रहा है तो दस साल दस साल से आप अपने बेटे को नहीं समझाते थे शुरू में पढ़ाए थे लिखाए थे कितना पढ़ पढ़ाते पढ़लिएट्रिक तक पढ़लिको फैल के इंटर में गल इंटरों फैल कल दूसरे ढंग के निकल गए छोरीबाजी में निकल गए पढ़ा कर बेटिक लोग पढ़ा कर कतनो बेटा गलत कर बेटा करलत है आदमी चोरी कैके चल आब बीबीजी चोरी कैके आदमी घर मकान जो ये बनाए हैं अब क्या बनलिए रे एगो बेटा से बोन करते कमे खेत कि घर द्वार बनेते और लिये न कि दोसर के लिए बने बनलिए सब दिना हमें हमारे मालिक साहब रहे तो चल गलर तो उठेने गल चल जेबे तो उठेने जेब कोई उठने गल घर में काम के का। तो वही बाल बच्चा लग बना रख रखलिए क्या दुख से सुख से जेना रख लिए वही बाल बच्चा ने अच्छा जो बेटी है बेटी आप आपकी मदद नहीं करते हैं बेटी मदद कर, बेटी गरीब है तो बेटी की मदद करते बेटी के तो मातबर घर में नहीं दलिए बेटी दिलिए गरीब घर में दलिए तो गरीबे नहीं कमित खतर तो हमारद तू की करते क्या घड़ी करते क्या घड़ी हमारा हम रहते अपना कमे रही है खाए रही तीन सा है, है। जो आपकी सोत शोतन है हाँ। तो वो सोतन से उस सोतन को मारपीट नहीं करते हैं अपनी माँ है तीन गोटा मिलकर शोतन भी तीन आप... हमारे पुतो बेटा बाल बच्चा कर सब भीड़ का मारे छे अपना अपनी माँ को आप जैसे कि अपनी माँ है हाँ। तो आपको मतलब कि खाना पीना नहीं देते हैं जो जो, सो, जो सोतेली माँ मा है उनको खाना हाँ, पीना हर चीज दे हर चीज करे छे तो लेकिन टका छे तो लोग सब करे छे ओकर हिस्सा जमीन छे तो कर छे लोग सब हमरा की छे हमरा छे टका जे हम देबे ओकरा हम कतय देबे टका ओकरा खाना पीना खाइए ठीक है अच्छा यह जो मतलब कि मुखिया सरपंच जो पंचायती होता है गाँव समाज में पंचायतियों के लिए एक चोर दू बेर पंच के लिए ले पंचो कने गुना नहीं, नहीं छे। के ना, जो जत् जेबी तत् दादा के बोलबी ते दादा के बोला के नानगन के के करतो हमारे रात में मारपीट कल मुखिया के फोन कलिए जो केस कर गो थाना जो गलिए हॉस्पिटल तो लै केस केस जो किए तो केस पे कोई एक्शन नहीं हुआ कि नहीं अभी कोई एक्शन नहीं कुछ नहीं ये देख सकते हैं एक माँ का हालात देख सकते हैं और एक हालात जो है वो एक पुत्र करता है अब सोचने पे यह बात मजबूर कर देने वाली बात है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है लेकिन जब माँ बूढ़ी होती है यही यह तक नहीं दस सालों से इनका कहना है कि दस सालों से अत्याचार पे अत्याचार हमारा पुत्र करता है और अभी जब हमारे पति गुज़र गए हैं जो हमारे पुत्र हैं वह जो पेंशन है वह पेंशन हमको देना नहीं चाहते हैं और अपने पेंशन अपने पास रखना चाहते हैं इसी वजह से हमको मारपीट करता है बताइए पेंशन मिलता है अगर पेंशन से इनका पेट नहीं चलेगा जबकि दस साल कितने सालों से आप लोग अलग अलग बना के खाते हैं मालिक साहब रहे तो दस साल पहले से अलग बना के खाए बेसहारा भैगिए हम तो पेंशन मंगबे ना जो हर आधा बैठकर दे कहना चाहिए नहीं दे आप क्या खाइएगा ये तो एक चौदह महीना भाग ले डेट कारना तो आप बोन क्या खाए खेत खेत बोन कैके खाए हम हाँ गाम समाज सबके पूछ छ जब बोन क्या का खा छी बोन क्या के खाए नहीं ना समाज में हम कमाया गांव के लोग यही ना बोलते बेटा रहने के बावजूद भी आप दैयारी मजदूरी करते हैं फिर आप अपना पेट चलाते हैं बेटा रहने के बावजूद भी गाँव के लोग क्या बोलते हैं गाँव के लोग गाँव के लोग सब ना कल के देता 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 आब की करब लोग क्या बातें न माने ची? मिला दो पैसा देता मिला दो देते रोक लगबे रही कल के? नहीं, रोक लग बेटा सब कहा गया आत नहीं पता है मारपीट कर भाग ले तो सगले हमारा सौतीन का बेटी लंग के आ अपो बौर डरा वाली चल गए नहींरा अपना आप कत नहीं सौतन है आपके एगो बटी छा वो अपना बेटी लंग ले। बेटी लंग का वाली लंगी लगे छी ये देख सकते हैं दस सालों से घर घर में एक घर में एक छत के नीचे माँ बेटा रहने के बावजूद भी अलग अलग बना के खाते हैं और ये देख सकते हैं दस दिनों से ये खाना पीना नहीं खाई है और ये देख सकते हैं चेहरा का जो है वो रंग जो है वो कहीं ना कहीं उड़ चुका है और ऐसे ऐसे बेटा को समझना चाहिए कि अपने माँ के साथ जो माँ नौ महीना कोख में रखती है और कहीं ना कहीं दहियारी मज़दूरी करके एक बच्चे को पाल सकती है लेकिन एक पुत्र जो है अपने माँ को नहीं पाल सकता अब सोचने पर यह बात सोचने वाली यह बात है कि जबकि इनका पति जॉब में थे रेलवे का जॉब करते थे और पेंशन मिलता और पेंशन भी देने से कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है तो अब अब यह जाएगी तो जाएगी कहाँ क्या नाम है बेटा का मोहम्मद आजाद ये देख सकते हैं रोई जा रही है रोई जा रही है और रोते रोते आँख का आंसू जो है एक पुत्र के लिए सूख चुका है हालांकि ऐसे ऐसे पुत्र के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और मैं उस आजाद पुत्र को मैं कहना चाहता हूँ यार तुम आजाद नाम है तुम्हारा सिर्फ तुम, लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं है और अपनी माँ को अपनाओ यार माँ दोबारा नहीं मिलेगी जीवन में अगर यह गुजर जाएगी आज पिताजी गुजर चुके हैं डेढ़ दो साल हो चुका है पिताजी गुजर चुके हैं पिताजी तुम तुमको तो नहीं मिलेंगे लेकिन माँ जब चले जाएगी इस दुनिया को छोड़ के तो माँ भी नहीं मिलेगी और माँ के साथ तुम इतना गलत व्यवहार करता है ये कहीं ना कहीं निंदनीय वाली बात है हालाँकि आप लोग क्या सोचते हैं माँ और बेटे के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या बेटा गलत है अच्छा एक चीज़ और सुने कि आप पे बेटा आरोप भी लगा रहा है क्या आरोप लगा रहा है आरोप कौन सी मतलब गलत आपको ठहरा रहे हैं कि हमारी हमरा नहीं कहल दूसरा दूसरा आदमी के मुँह से सुन हमरा मुँह पर बेटा नहीं हमार सौती के बेटी दूसरा दूसरा के कह रहा है लेकिन हमरा मुँह पर नहीं ओकर माँ गलत है हाँ गलत है तैय मारे गलत रहे तैय मार गलत देखल तैय बेटी भी कहे हमारे सौतीन के बेटी लेकिन हमरा नहीं कहे लोग अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी है तो माँ माँ होती है कुछ भी है तो माँ माँ होती है लेकिन इस प्रकार नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी पुत्र हो और इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिएगा ताकि एक माँ बेटा का जो प्यार होता है वह कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए हालाँकि यहाँ पे प्यार नहीं एक तरह से माँ बेटा जो है वो दुश्मन बन चुका है रुपया के लिए पेंशन का रुपया के लिए हालाँकि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए इस आज़ाद और इस माँ के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत